स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, कल मैंने आपको मर्सी पोयम बताया था, उसकी लाइन समझाई थी। आज मैं एक्सप्लेन करना बताऊंगी। ये 5 लाइन मैंने कॉपी में लिख ली है, इसे फिर से एक बार समझा देती हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में और आपको आसानी रहेगी। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेंड। दया का गुण जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। यह इंसान के दिल से ऐसे फ्रीली नेचुरली निकलती है जैसे कि आकाश से वर्षा नीचे की ओर। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेस्ड हिम। यह उसे वरदानित करती है। दैट गिव्स, जो कि मर्सी देता है यानी दिखाता है। एंड हिम दैट टेक्स, और यह उसे वरदानित करती है जो कि मर्सी टेक्स लेता है, रिसीव करता है। टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह शक्तिशाली व्यक्तियों का शक्तिशाली गुण है। अब देखिए रेफरेंस, रेफरेंस में क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं कि ये जो लाइन है ये किस पोयम से ली गई है और इसका पोएट कौन है। जिस पोयम से ली गई है उसका पोएट कौन है, इसका नाम लिखते। पोयम और पोएट का नाम हम रेफरेंस में लिखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम मर्सी। ये लाइन्स मर्सी से ली गई है। कंपोज बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित है। दिस पोयम इज अ स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी। ये पोयम एक मजबूत निवेदन है मर्सी के लिए। इन विलियम शेक्सपियर कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इनकी जो कॉमेडी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैंने कल आप लोगों को पोयम के साथ ड्रामा बताया था, इसी ड्रामा से ये लाइन्स ली गई है। अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में हम लिखते हैं कि इसमें कवि कहना क्या चाह रहा है, इसको दो लाइन में लिखते हैं। तो देखिए, पोर्सिया अपील साइलॉग, पोर्सिया निवेदन करती है साइलॉग से, टू सो मर्सी टू एंटोनियो, कि वो एंटोनियो को दया दिखाए, एंटोनियो पर दया दिखाए। सी प्रेजेस द क्वालिटीज ऑफ मर्सी हाईली, वह मर्सी गुण का प्रशंसा करती है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, व्याख्या क्या लिखेंगे। पोर्सिया सेज दैट मर्सी इज अ नोबल वर्च्यू। पोर्सिया कहती है कि मर्सी एक अच्छा गुण है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, यह जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। नो वन कैन बी फोर्स्ड टू बी मर्सीफुल, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो मर्सीफुल हो जाए। इट इज़ अ नेचुरल क्वालिटी ऑफ मैन, यह मैन का नेचुरल क्वालिटी है। द पोएट कंपेयर्स मर्सी, द पोएट कंपेयर्स मर्सी टू द जेंटल रेन। का पोएट जो है कि वो मर्सी का कंपेयर रेन से करता है। रेन कम्स फ्रीली फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ। रेन जिस तरह से पृथ्वी पर आकाश से फ्रीली आती है, सो मर्सी फ्लोज फ्रीली फ्रॉम द हार्ट्स ऑफ मैन, उसी तरह से मर्सी भी इंसान के दिल से फ्रीली आती है। इट इज आल्सो अ डबल ब्लेसिंग, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेस बोथ द गिवर एंड रिसीवर, यह दोनों को वरदानित करती है, गिवर और रिसीवर, जो मर्सी देता है और जो मर्सी प्राप्त करता है। द मैन हु सोस मर्सी डज समथिंग नोबल, वह व्यक्ति जो मर्सी सो करता है वो कुछ अच्छा काम करता है, उसे अच्छी फीलिंग आती है। द मैन हु रिसीव्स मर्सी इज फॉर्चुनेट, और वह व्यक्ति जो कि मर्सी रिसीव करता है वो भाग्यशाली है। मर्सी इज़ द मोस्ट पावरफुल क्वालिटी ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मर्सी सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों का सबसे शक्तिशाली गुण है। अब बच्चों नोट लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे कि अगर इस लाइन्स में जो लाइन आपको दी गई है एक्सप्लेन करने के लिए, अगर उसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है तो उसको हम नोट में लिखेंगे। द पोएट हैज़ यूज द फिगर ऑफ स्पीच सिमली इन द लाइन। कल मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था कि इस लाइन में सिमली का यूज हुआ है और कैसे हुआ है। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन में, ठीक है, तो हम इसे नोट में लिख देंगे। द पोएट हैज़ यूज द फिगर ऑफ स्पीच सिमली इन द लाइन। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन।
अब बच्चों सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम मर्सी, सेंट्रल आइडिया भी बता देती हूँ। आप लोगों ने 9th-10th में सेंट्रल आइडिया लिखा है, किस तरह से पोयम का जो है पूरी आइडिया लिखती है, पोयम में क्या पोएट कहना चाहता है, हम उसे 4 लाइन में या 6 लाइन में करके लिखते हैं। ये देखिए, दिस पोयम इज़ अ स्ट्रॉन्ग अपील फॉर मर्सी, यह पोयम मर्सी के लिए एक मजबूत निवेदन है। द पोएट पॉइंट्स आउट दैट मर्सी इज़ द मोस्ट पावर इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। पोएट पॉइंट्स आउट, वर्णन करता है कि मर्सी मोस्ट पावरफुल क्वालिटी है, इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, इसे फोर्स नहीं किया जाता। इट इज़ लाइक जेंटल रेन ऑन द अर्थ बिलो, यह जो है जेंटल रेन की तरह है जैसे पृथ्वी पर बारिश होती है जो है उसी तरह से ये भी है। इट इज़ डबल ब्लेसिंग, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेस बोथ द गीवर एंड द रिसीवर, यह दोनों को वरदानित करती है, गीवर को भी और रिसीवर को भी। इट सूट्स द किंग बेटर देन हिज क्राउन, यह जो है राजा के मुकुट से ज़्यादा शोभित करती है। द क्राउन ऑफ द किंग शोस वर्डली पावर, किंग का क्राउन वर्डली पावर दिखाता है। मर्सी शोस मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर, मर्सी मोरल एंड स्पिरिचुअल पावर को दिखाती है। इट इज़ ए क्वालिटी ऑफ गॉड, यह गॉड की क्वालिटी है। When mercy is mixed with justice, earthly power becomes god-like. जब mercy को justice से mix कर देते हैं तो earthly power god's power की तरह दिखती है। ठीक है बच्चों, ये explanation हो गया और ये central idea, ये दोनों आपको से explanation तो आपको practice करनी है कि कैसे किस तरह से लिखना है, और central idea भी आपको practice करना है और learn करना है।